Amén. Amén. परेशान दिख रहा है। एक मुसीबत आ पड़ी है सर पे यार। कैसी मुसीबत? एक मुसीबत है, एक लाश। अबे ये लाश से तेरे को क्या मुसीबत हो सकती है? वो लाश इस समय मेरे बाथरूम में पड़ी है। क्या? एक लाश इस वक्त तुम्हारे बाथरूम में पड़ी हो? तुम ऐसे बोले, वो छोटी सी बात है? मुसीबत बताने पे कमजोर दिल घबराते हैं, समझदार लोग उससे निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। और इस वक्त मैं यही सोच रहा हूँ कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। तो इसकी तुमसे कि ये किसी की साजिश है? यार मैं खुद तो किसी को मार के उसकी लाश अपने बाथरूम में रखूंगा नहीं, और कम से कम एक पुलिस वाले को तो नहीं बताऊंगा। बात तो तुम्हारी ठीक है यार, लेकिन अब क्या करोगे तुम? सबसे पहले हमें लाश यहाँ से हटानी होगी। तुम मदद करो। मैं ऐसे हूँ यार, दोस्ती के नाते मैं चुप हूँ, और तुम मुझसे एक और गैर कानूनी काम करवाना चाहते हो? एसपी साहब, गैर कानूनी तो मतलब होगा जब पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी और असली कातिल आराम से बाहर घूम रहा होगा। कम से कम हम असली कातिल को पकड़ने के लिए तो ऐसा कर सकते हैं। क्या ठीक है, लेकिन हमें करना क्या होगा? सबसे पहले तो हमें ये लाश यहाँ से हटानी होगी। पता क्या होगा, पुलिस को ये लाश कहीं और से बरामद होगी और इस कत्ल का इल्जाम मेरा एक खास आदमी अपने सर पर ले लेगा। वो तो ठीक है यार, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? सीधी सी बात है यार, ये लाश कहीं और से बरामद होगी और असली कातिल ये लाश देखकर बौखला जाए और उस बौखलाहट में कोई ऐसा काम कर दे जिससे कि हम उसको पकड़ सकें। मेरा ख्याल से पुलिस को अभी तक आ जाना चाहिए। बिना खबर के पुलिस कैसे आएगी? जिसने भी ये लाश यहाँ रखी है उसने अभी तक पुलिस को खबर कर दी होगी, ताकि मैं जल्द से जल्द लपेटे में आ जाऊं। लो आ गए। आमीन। सर आए? यहाँ कैसे आना हुआ? सर हमें खबर मिली है कि इन्होंने खून करके बाथरूम में अपनी लाश रखी हुई है। क्या बात कह रहे हो तुम? ये सुबह से ही मेरे साथ हैं और मैं अभी भी बाथरूम से फ्रेश होके आ रहा हूँ, मुझे तो कोई लाश वाश नहीं दिखी वहाँ पे। सर हमें खबर बिल्कुल पक्की मिली है। फोन करने वाले का नाम पता आपको जानते हैं? नो सर। बड़े बेवकूफ किस्म के इंसान है यार, एक गुमनाम आदमी के फोन पे आप विश्वास कर सकते हैं, लेकिन आपके सामने ये एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बैठा, आपको उस पर यकीन नहीं? किसी ने फोन किया और आप एक शरीफ आदमी को परेशान करने चले हैं, ये कहां की समझदारी है? बेहतर है आप यहां से जाइए और आइंदा किसी शरीफ आदमी को परेशान करने की कोशिश मत कीजिएगा। सॉरी सर। उफ, थैंक गॉड, बाल बाल बच गए। वो तो यहां से चला गया, अब इस लाश को कैसे हटाएंगे? अब ये लाश तुम्हारी गाड़ी में यहां से जाएंगे। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? एक तो मैंने तुम्हें पुलिस से बचाया और ये चाहते हो कि मैं ये लाश अपनी गाड़ी में ले जाऊं? ये मुझसे नहीं होगा, बेशक पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करके ले जाए। एसपी साहब, अब तो पुलिस ने मुझे आपके साथ देख लिया है, अब अगर मैं फंसा तो हम दोनों लड़े में हो जाएंगे। अब आपकी भलाई इसी में कि आप मेरा साथ दें। तुमने मुझे फंसा दिया है, अब जैसा तुम कहोगे वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी और रात हो जाने दो, फिर लाश को हटा लेंगे। Thank you.
We'll be right back.